अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डाटो जी। तो आज की वीडियो में हम ये एक हायर की यूपीएस डिवाइस है, ये हायर की यूपीएस एनेबल डिवाइस है, तो आज हम इसको ओपन करेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके साथ क्या क्या मिलता है और इसको लगाने का तरीका कैसे है, वो भी सारा कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ और मेरा चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके लगाने के तरीक़ेकार कैसा है और इसके अनबॉक्सिंग के अंदर हमें क्या कुछ मिलता है। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। जी तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हायर की डिवाइस है, ठीक है जी। यहाँ पर ये हायर लिखा हुआ है और ये यूपीएस डिवाइस, ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं आपको इसकी दिखाने की कोशिश करूँ, ये इसका जैसे हम बॉक्स ओपन करते हैं तो ये हमें मैनुअल देखने को मिलता है, ये देखने, ये इसका मैनुअल, इसको लगाने का तरीका कैसा है वो सारा कुछ इसके अंदर मेंशन किया हुआ है, सही है जी। इसके अलावा हमें इसके साथ साथ इसकी जो वायर्स है, ये हमारी एसी के साथ लगती है वायर, ये वो वायर है इसके साथ जो मिलती है हमें, ठीक हो गया जी। इसके अलावा ये इसके नट वगैरह होते हैं जो इसकी लाके वगैरह लगाने के लिए, और उसके बाद ये हमारे पास ये एक डिवाइस आ जाती है। तो मैं भी आपको ये डिवाइस दिखा देता हूँ और इसके अंदर मज़ीद और कुछ चाहिए नहीं, ठीक। इसके अंदर मज़ीद कुछ नहीं है सिर्फ, और ये हमारी डिवाइस है। तो अब हम इस डिवाइस को देख लेते हैं। तो मैं अगर आपको इस डिवाइस के बारे में कुछ बताऊं, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेंशन भी क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखें, अगर ये पावर इन होगी हमारी तो ये मेन जो रेड है, ठीक है, रेड एलईडी ग्लो करेगी, वो मेन की इंडिकेट हमें शो करेगी, ठीक है जी, जो मेन हमारी पावर सप्लाई होती है। उसके अलावा जो ग्रीन है, ये हमारी यूपीएस की एलईडी जो है वो हमें बताएगी, ठीक है जी। अगर हमारा यूपीएस पे चल रहा होगा इन्वर्टर, ये सॉरी एसी, तो हमें ये ग्रीन एलईडी शो करेगा। अगर हमारे वापडा भी चल रही होगी तो ये रेड एलईडी शो कर रहा होगा। अगर दोनों नहीं होंगे तो हमारी नो हो जाएगी, नो पावर हो जाएगी, ठीक है जी, ऑफ होगा, दोनों एलईडी जो है वो हमारी ऑफ होगी। इसके अलावा इसके आउटपुट की अगर हम बात करें तो इसमें अगर पावर ऑन होगी तो हमारी रेड एलईडी ऑन होगी, अगर इसके अंदर इसकी पावर ऑफ होगी तो ये हमारी पावर ऑफ की एलईडी, ये कोई भी एलईडी हमें शो नहीं हो रही। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमें नज़र भी आ रहा है, सही हो गया जी। तो इसके अलावा इसके अंदर मज़ीद और कुछ नहीं है। तो अब हम इसको लगाने का तरीक़ेकार मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसको लगाया किस तरह से जाता है। तो बहरहाल अगर आप यहाँ पर ये देखें तो यही जगह हमारा, ये जो मैंने आपको दिखाई दी वायर, ये वायर इसके साथ लगती है और ये जाके हमारी एसी के साथ लगती है। तो बहरहाल ये इसकी वायर होती है। इसके अलावा इसकी जो वायरिंग वगैरह लगाई नहीं जाती हैं वो किस तरह से लगाई जाती है वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा कि ये साइड में दो पैचेस हैं, इन्हों को खोलने होंगे, ठीक है। ये दोनों साइडों में नट हैं, इन्हों को हम खोलते हैं। इन्हों को खोलने के बाद हम इसकी जो वायरिंग है वो कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं आपको इसको खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने दोनों नट इसके साइड वाले खोली हैं। तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें, ये इसका कवर होता है, और उसके बाद यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर हमें ये कनेक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, यहाँ से मेंशन भी किए हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपने यहाँ पर कौन सी चीज़ लगानी है, यहाँ पर कौन सी चीज़ लगानी है और यहाँ पर कौन सी चीज़ लगानी है, वो सारा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये यूपीएस इन लिखा हुआ है, तो मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखें, यहाँ पर यूपीएस एन लिखा हुआ है, इसका मतलब है न्यूट्रल, और यूपीएस एल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फेस, ये लाइन हो गई लाइन, ठीक है जी। एल जो होता है हमारा लाइन हो जाता है और एन जो होता है हमारा न्यूट्रल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा न्यूट्रल लगेगा और यहाँ पर हमारी लाइन लगेगी, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारा दूसरा आ गया, यहाँ पर हमारी वापडा लगेगी, वापडा की भी यहाँ पर एन लगेगी और यहाँ पर लाइन लगेगी। तो आपने ये कोशिश करनी है, जहाँ पर आपकी यहाँ न्यूट्रल है तो यहाँ पर भी आपकी न्यूट्रल लगनी चाहिए,
सॉरी, यहाँ पर अगर आपकी लेन है तो यहाँ पर आपकी लेन लगनी चाहिए, और अगर यहाँ पर न्यूट्रल है आपको यहाँ पर भी न्यूट्रल लगानी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है वैसे ही आप लोगों ने लगाना है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि हमारा जो ब्लैक वायर होती है न्यूट्रल वाली वो लगानी होती है। एल का मतलब ये होता है कि फेस की जो वायर होती है रेड वाली वो हमें लगानी होती है, जिसके अंदर हमें जो टेस्टर वगैरह हमें ग्लो कर रहा होता है वहाँ पर वो लगानी होती है यहाँ पर, ठीक है जी। एल वाली वायर हमें यहाँ पर लगानी होती है फेस वाली, और एन वाली साइड पर हमें न्यूट्रल वाली वायर लगानी होती है। ये आप लोगों ने बातें नोट कर लेनी है। इसके अलावा हमारी ये एसी की लाइन आ गई, यहाँ पर हमारी जो एसी की पावर है वो हमें यहाँ पर लगानी होती है। उसकी भी अगर आप यहाँ पर देखें तो एन और एल लिखा हुआ है, एन के साइड पर न्यूट्रल लगानी है और एल के साइड पर लाइन लगानी है। तो ये यहाँ पर इस तरह से वायरिंग लग जाती, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगर यहाँ पर ये देखें, ये कनेक्टर हमारा, ये कनेक्टर इसके साथ ज्वाइंट होता है, ये देखें ये कनेक्टर जो है इसके साथ ज्वाइंट होता है इस तरह से, और ये जो कनेक्टर है ये हमारा एसी के साथ लगता है। तो बहरहाल मैं इसको लगाने का तरीकाकार भी आपको दिखाऊंगा, इसको एक मैं वीडियो आपको अपलोड करके दिखाऊंगा जिसमें हम इसको लगाने का तरीकाकार सीखेंगे, और इसको रन करा के आपको चेक कराऊंगा कि ये रन करने के बाद हमें किस तरह को देखने की मिलती है, ठीक है जी। तो बहरहाल ये तो इस तरह से इसके कनेक्शन वगैरह होते हैं, और यही इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा इसके अंदर वो कुछ भी नहीं है। अगर इसकी हम बात करें ये क्यों लगाई जाती है, ये इसलिए लगाई जाती है मैक्सिमम हमें ये 2 एम्पीयर देती है, चाहे हम इसके ऊपर वावड़ा पे चलाएं या चाहे हम इसको यूपीएस में चलाएं। जहाँ पर अगर आपको ओनली वावड़ा के लिए चाहिए ये, तो आपने जहाँ पर यूपीएस की वायरिंग लगानी है वहाँ से आपने इसको वावड़ा की वायरें दे देनी है। तो ये हमारा क्या होगा कि हमारा ये अपना 2 एम्पीयर पे चलेगा हमारा एसी, ठीक है जी, और वहाँ पर हमें एसी के ऊपर U1 लिख के शो हो जाएगा। तो उसमें ये होता कि हमारे जो वावड़ा की जो वावड़ा के जो होते हैं यूनिट वगैरह वो बिल्कुल कम चलेंगे, क्योंकि हमारा ये यूपीएससी मोड में चल रहा होगा। तो अगर आप इसको यूपीएस के साथ लगाना चाहते हैं तो वैसे ही आप इसको लगा सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो बहरहाल यही इसकी अनबॉक्सिंग थी, और यही इसके कनेक्शन वगैरह के तरीकेकार थे, जो इसका तरीकेकार होता है इसका कनेक्शन वगैरह लगाने का तरीकेकार। तो ये सारे कनेक्शन इस तरह से लगाए जाते हैं। अगर वैसे भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आपने ये क्या करना है, ये बुक देख लें और इसके अंदर सारे निशान वगैरह लगे हुए हैं, आप इसको देख के आप लगा सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।